महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के पानी की स्तर पर जहरीले झाग की एक मोटी परत दिखाई दी, जिसने स्थानीय निवासियों और वारकरी समुदाय के भक्तों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में मंदिरों के शहर आलंदी में इंद्रायणी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। सिद्धेश्वर घाट के पास स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि इंद्रायणी नदी में प्रदूषण विद्यमान है और पिछले 10 वर्षों से जारी है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस नदी का महत्व पुराण में भी उल्लेख आता है और साधु संत के मुखों में से भी इसका इस नदी का महत्व आता है। हमारे वारकरी का कुछ नियम रहता है कि सुबह उठकर इंद्रायणी का स्नान करना और माउली का दर्शन करना, ये जो है तो ये स्टॉप हो गए हैं इसकी वजह से। अभी वारकरी क्या करते हैं, 4 बजे स्नान करते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये पूरा जो नदी है ना, वो पूरा ये गटर का एक स्वरूप प्राप्त हो गया। तो अब हाँ, इसमें स्नान किया वो हमारे पाप तो नष्ट होंगे, पर ये क्या है, ये इतना गंदा पानी होने की वजह से, इस पानी की वजह से हमको त्वचा रोग भी हो सकता है और बहुत लोगों को ये मुश्किल हो रही है। 5-6 साल से तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। ये ऊपर के जो कंपनी है, ये कंपनी का केमिकल ये सब पूरा छोड़ा हुआ है। जलपर्णी है ये पूरा, मतलब बारिश के तीन चार महीना ये ठीक रहते हैं नदी, बाकी ये सब पूरा ऐसे ही प्रदूषित रहता है। ये तो अभी मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये नदी को कैसा भी करके साफ करना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं जल मतलब नदी सब पूरा ये करना, गंगा साफ अभियान चलाया, सब चलाया, ऐसा ही उन्होंने ये चलाना चाहिए ना, इंद्रायणी भी साफ होना चाहिए। इस तरफ इससे मच्छर ज़्यादा होते, बारिश से मच्छर होते, गंदगी है। नदी को पवित्र माना जाता है, इसमें स्नान भी करते हैं, लेकिन ऐसी हालत में कैसे कर पाएंगे, क्या उसको लेकर? अभी जो जानते हैं वो तो नहीं करते, मगर जो बाहर से यात्रा करवाते वो तो स्नान भी करते और बोतल भर के अपने गांव में लेके जाते, एक एक चम्मच पानी दे, तीर्थ के रूप में पानी देते। आपको लगता है इससे स्वास्थ्य पे काफी हानिकारक है? बहुत हानिकारक है। इसमें अगर तुम एक बार नहाओगे तो पूरी फुंसियाँ उड़ जाएगी, खुजलन हो जाएगी।